यस मैम। ओके, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Is my screen visible, students? Hello. Yes, is my screen yes, visible? Yes, ma'am. Hello, everyone. I welcome you all to Jatin Digital Classes. This is the first class for Evidence App. Has anyone attended the Evidence Demo lecture which I had given? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So this is the fresh start. We're starting from the very beginning only. I'll just please apna mic off kar lijiye, iska bhi on hai. There's a lot of this too. Okay, I can see some old face, old names as well. Pooja, Nikhil, aap log ne CPC padha hai na mujhse shayad? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, maine nahi padha tha. Main to new. Acha acha. Acha, aapne nahi padha tha. Anita ne bhi padh rakha hai. Okay, fine. So hum apna wahi approach rakhenge class mein jaisa humne CPC mein padha tha. So we'll be keep हम हमारी जो पूरी भी पढ़ाई होगी evidence act से related that will be Barrett centric और जहाँ जहाँ पे time and time आएगा मैं आपको important case laws लिखवा ही होगी notes में. Will that be fine? Hello. Yes ma'am. And one more thing, हमारी class थोड़ी interactive होती है, so I need your response from your side as well. Fine. So सबसे पहले मैं start करना चाहती हूँ Indian. I'll just start the Indian Evidence Act. Indian Evidence. So first tell me what is evidence? Evidence से क्या समझ में आता है आप लोगों को? मैम सबूत देना किसी केस और प्रूफ देना, मतलब बताना कि ये चीज हुई है उसका एक कुछ भी एविडेंस. ओके, एनीवन एल्स? लाइक जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई चीज खरीदी तो उसकी रिसिप्ट बताई, वो उसका एविडेंस हो गया उस ट्रांजैक्शन का. जी हाँ. और सुरभि, सुति, शुभम, शल्वी, प्रभा, आप लोगों को कुछ बोलना है? व्हाट इज एविडेंस? मैम एविडेंस इज साक्ष्य. साक्ष्य. सो हम हिंदी में बेसिकली इंडियन एविडेंस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं एंड दिस इज अ लॉ ऑफ 1872. आपको पता है ना क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल होता है, क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होता है वो जो आपको अक्यूज्ड का गिल्ट प्रूफ करना होता है, वो कैसे प्रूफ करना है? द अक्यूज्ड गिल्ट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि जो अक्यूज का गिल्ट होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में. क्रिमिनल लॉ का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको पूरा क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस एक्ट करता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनीवन? सबीला, अनीता, कोई आइडिया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रेज? किसी को आइडिया? सो बेसिकली अगर हमें किसी का गिल्ट प्रूफ करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट तो हम गिल्ट कैसे प्रूफ करेंगे? सिर्फ बातों से प्रूफ करेंगे क्या? नहीं, वी विल बी रिक्वायरिंग एविडेंस टू प्रूव इट. और ये एविडेंस हमें कहां से मिलेगा? ये एविडेंस हमें कैसे निकालना है, कहां से निकालना है, इसका हमें. हेलो, यस, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. यस मैम. ये एविडेंस, हाँ, ये एविडेंस हमें कहां से मिलेगा? ये हमें मिलेगा सिंपली फ्रॉम द इंडियन एविडेंस एक्ट. ये हमें आइडिया देता है, ये हमें ब्रीफ आइडिया देता है कि कैसे हम एविडेंस को यूज करेंगे, कौन कौन से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है, कौन से रेलिवेंट है, ये सारी चीजें ये एविडेंस एक्ट हमें बताता है. जैसे कि आप, ये क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल हो गया, अक्यूज गिल्ट शुड बी प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. बट सिविल लॉ में कौन सा प्रिंसिपल होता है एप्लीकेबल? किसी को आइडिया? What principle is applicable in civil law? Because जो हमारा Indian Evidence Act है, that is applicable for both civil and criminal law. ये तो पता है ना आपको? Yes ma'am.
सिविल, आपका जो एविडेंस एक्ट है वो सिविल लॉ पे भी लगता है एंड क्रिमिनल लॉ पे भी लगता है. सो एनी आइडिया कि जैसे हमने देखा कि अक्यूज्ड गिल्ट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सिविल लॉ में हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज का प्रिंसिपल यूज करते हैं इन सिविल लॉ. ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, इसीलिए हम इंडियन एविडेंस एक्ट का रिक्वायरमेंट होता है बोथ इन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सो आप में से कोई बता सकता है लॉ को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? ब्रॉडर बाइफर्केशन, टू पार्ट, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल. एक वेरी गुड, यस. एक होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ. आपका सब्सटेंटिव लॉ क्या डिफाइन करता है? राइट्स, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन. यस, ये आपका जो सब्सटेंटिव लॉ होता है ना, इट डिटरमाइंस द राइट्स, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज. एंड व्हाट इज एन एग्जांपल फॉर दिस? एनी एग्जांपल? एनीवन? आईपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स लॉ. ये सारा एग्जांपल आपका सब्सटेंटिव लॉ का है जो पार्टीज की राइट्स को बताता है, लायबिलिटीज को बताता है. सपोज अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, A and B entered into contract, and if B breaches the contract, what remedy does A has? क्या remedy होगी इसके पास? What remedy? Ma'am, to file a suit. File a suit for compensation. Compensation के लिए demand करेगा ना? ये तो specific performance करा सकता है, ये तो compensation करा सकता है. वैसे ही procedural law क्या होता है? मैम, इस सूट को, ये कंपनसेशन वाले सूट को रन करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होगा उसके लिए बना हुआ रूल, प्रोसीजर रूल होगा, जैसे सीपीसी हो गया, एसटीआरपीसी हो गया. इस बिल्कुल सही बोला. इसी प्रोसीजर का कभी कभी हम एडजेक्टिव लॉ भी यूज करते हैं. कहीं कहीं जगह इसके लिए एडजेक्टिव लॉ भी यूज किया गया है, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका टू इन्फोर्स द राइट्स एंड लाइबिलिटीज, टू इन्फोर्स द राइट्स एंड liabilities, the law which is used is known as procedural law or adjective law. ठीक है, अब अगर हम इसका example, कोई मुझे बता सकता है procedural या adjective law का example? CRPC, CPC. CRPC, CPC. ठीक है, अब अगर हम evidence की बात करें, किसकी बात करें? Evidence Act की बात करें, वो मुझे बताइए क्या है, whether it is procedural law, substantive law. मैम, प्रोसीजर लॉ, बट इस टॉपल जो सब्सटेंटिव लॉ में आता है. वेरी गुड प्रभा, प्रभु कौर, सॉरी, वेरी गुड प्रभा, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो आपका एविडेंस एक्ट है ना, इसके सम प्रोविजंस, या हम बोल सकते हैं मेजॉरिटी प्रोविजंस आर प्रोसीजरल इन नेचर, प्रोसीजरल इन नेचर, जो आपका प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे आपका एविडेंस कोर्ट में जाएगा, प्रूव होगा, कोर्ट कैसे उसको एडमिट करेगा, प्रोसीजरल नेचर होते हैं. बट देयर इज अ सेक्शन, कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 115 ऑफ द एविडेंस एक्ट, विच इज सब्सटेंटिव इन नेचर, विच इज सब्सटेंटिव इन नेचर. ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटेंटिव इन नेचर. एंड आपको पता है व्हाट डज दिस सेक्शन 115 प्रिस्क्राइब्स इन इट? It prescribes the law of estoppel. Law of estoppel. किस पे? आप कैसे? ये आपको basically law of estoppel party को rights provide करता है. क्या provide करता है? Right provide करता है. Estoppel का मतलब क्या होता है? Anyone? To stop. हाँ, इसका literal meaning to stop होता है. And इसको हम detail में आगे के chapters में देखेंगे. And ये basically क्या करता है? Right determine करता है party का. क्या करता है? राइट डिटरमाइन करता है. सो यहां तक की कहानी समझ में आई किसी को? यस मैम. जितना भी हमने समझा अभी तक, स्तुति, yes, आपको समझ में आ रहा है? शास्त्री, आपको समझ में आ रहा है सबको? कि हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले क्या देखा कि क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में दोनों पे ये एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है. उसके बाद हमने क्या देखा कि लॉ के बॉर्डर ब्राइफिकेशन हमने देखे थे, दो बाइफर्केशन. फिर हमने एविडेंस एक्ट का नेचर देखा. क्या देखा?
नेचर देखा, एविडेंस एक्ट का. अब हम आ जाते हैं बेसिक एक्ट के ऊपर. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम, जो आपने सिविल लॉ का वो बताया, प्रीपोंडेंस ऑफ क्या बताया आपने? प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटीज, हाँ, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, ये होता है. अरे हम क्रिमिनल लॉ में ये मैक्सिम अक्सर हमने सहाखा होगा ना, सुना होगा आप लोगों ने कि 100 गुनेगार छूट जाए पर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए. यही होता है क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रूफ ऑफ गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. अब हम सबसे पहले, सबके पास वेरेक्ट है ना? यस मैम. यस मैम. यस मैम. सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन जस्ट अ सेकंड. मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगी आपको वेरेक्ट के साथ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा. स्क्रीन अब आ रही है, क्लियर हो रही है स्क्रीन? यस मैम. So, जब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो ये कौन से एक्ट का ईयर का लॉ है? 1872 का लॉ. कब का लॉ है? 1872 का लॉ है. एंड ये एक्ट नंबर क्या है, इसका एक्ट नंबर क्या है, कोई मुझे बताएगा? एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872. कब है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872? कितने सेक्शन हैं इसके अंदर टोटल? 167 मैम. कितने सेक्शंस हैं टोटल? 167 सेक्शंस हैं. और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका ये? थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसमें आपका पहला पार्ट है जो बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट. किसकी बात करता है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है. एंड इसके अंदर पहला पार्ट तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का है, दूसरा पार्ट क्या है? On proof, on proof. क्या क्या प्रूफ होगा, ये सब बातें करता है आपका पार्ट टू. और पार्ट थ्री क्या बात करता है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ. प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ. प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस. एविडेंस. प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस आपके बात करता है पार्ट थ्री. और इसी को हमने कितने चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा है मैम? मैम 11 चैप्टर. 11 चैप्टर्स में. कितने चैप्टर्स में? 11 चैप्टर में डिवाइड करके रखा है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट प्रिलिमिनरी. प्रिलिमिनरी है वो चैप्टर. आप किसी भी बेयर एक्ट में देख, मतलब कोई भी आपने एक्ट पढ़ा होगा इसके पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि यूजुअली पहला एक्ट क्या होता है? प्रिलिमिनरी होता है. क्या होता है? प्रिलिमिनरी होता है, जिसमें आपके डेफिनेशन क्लॉजेस वगैरह होते हैं. चैप्टर टू क्या बात करता है आपका? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की. किसकी बात करता है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है. आपका चैप्टर थ्री क्या बात करता है? फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. आपका चैप्टर फोर क्या बात करता है? ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस. फॉलोड बाय चैप्टर फाइव क्या है आपका? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. चैप्टर सिक्स क्या बात करता है आपका? ये डॉक्यूमेंट चैप्टर 6 भी. एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. यस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. एंड द चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है? हमने कई बार ये टर्म सुना है, बर्डन ऑफ प्रूफ. द ओनस लाइज ऑन यू, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू. तो ये आपका कौन से चैप्टर में आएगा? चैप्टर 7 में. देन द वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ टू यू, the only substantive portion in the entire evidence act is chapter 8, which talks about law of estoppel. chapter 9 baat karta hai witnesses ki. kiski baat karta hai? witnesses ki. chapter 10 talks about the examination of witnesses. and the chapter 11 talks about improper and improper admission and rejection of admission and rejection of evidence. ठीक है, तो ये सारा बेसिक आपका एक ग्राफ था जो आपके वेरेक्ट में दिया हुआ है. आप एंड यू शुड रिमेम्बर दीज थिंग्स, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, पार्ट्स, सब कुछ आपको याद होना चाहिए. एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए, आई मस्ट से. सो एक बार वापस इसको जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं. एक सेकेंड, कितने चैप्टर्स हैं? 11 मैम. 11 चैप्टर्स. 11 चैप्टर्स है. कितने हैं?
चैप्टर्स हैं आपके 11, ठीक है। अब आपका पार्ट्स कितने हैं? थ्री पार्ट्स। और टोटल सेक्शंस कितने हैं? 167 कितने हैं? 167 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें चैप्टर वन क्या बात कर रहा है, एक बार क्विक रिवीजन। प्रीलिमिनरी। चैप्टर वन है प्रीलिमिनरी। क्या है चैप्टर वन? प्रीलिमिनरी। चैप्टर टू क्या बात करता है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी ऑफ प्रीलिमिनरी है पहला चैप्टर। चैप्टर टू है आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। चैप्टर थ्री क्या था? फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड। फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। चैप्टर फोर ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस। तो यहाँ से याद रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता प्री एग्जाम्स में। फोर्थ चैप्टर है आपका फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, सॉरी सॉरी, फोर है आपका ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस। फाइव है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सिक्स क्या है आपका? एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री। तो दोनों का मिक्सचर आ जाएगा आपका सिक्स में। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेवन क्या है आपका? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, पी ओ पी जिसको हम बोलते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। एट क्या है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। नाइन क्या है आपका? विटनेस। विटनेस, ये भी पूछा जाता है, विटनेस किस में दिया है, ठीक है। इलेवन क्या है? एग्जाम, सॉरी टेन क्या है आपका? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। और आपका देन फाइनल इलेवन क्या है? इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। पार्ट वन में क्या दिया है? प्रिलिमिनरी मैम। प्रिलिमिनरी है आपका। पार्ट टू क्या है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। पार्ट टू ऑन प्रूफ। पार्ट थ्री क्या है मैम? पार्ट वन इज रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस। हाँ सॉरी, पार्ट वन इज रेलेवेंस। पार्ट वन इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। पार्ट टू इज प्रूफ। पार्ट थ्री ऑन प्रूफ। And part 3 is? Production and effect of evidence. Production and effect of evidence. Evidence. So, आपको ये order याद रखना, production and effect of evidence. ठीक है? आपको ये order याद रखना है। Preliminary के बाद relevancy आएगी, relevant fact की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आपको पूरे evidence में keyword दिखेगा। कौन सा keyword है वो? Relevant fact. कौन सा fact relevant होगा court में? ठीक है, उसके बाद आपका आएगा किस फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देन क्या है आपका? ओरल एविडेंस। अब देखो कि किस किस तरह से आपका ये आपका ब्रीफ जो स्ट्रक्चर है एविडेंस एक्ट का, ये आपको बता रहा है कि व्हाट इज देयर इनसाइड एविडेंस एक्ट। आपको बता दिया रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, किस किस फैक्ट को आप प्रूफ करोगे। इसमें क्या क्या है, एनी आइडिया? व्हाट विल रीड इन, किसी ने पढ़ रखा है अगर पहले तो कोई आइडिया आप लोगों को क्या है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में? कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पॉइंट्स इसी के अंदर आपका रेस गेस्टे का प्रिंसिपल है, ये हम देखेंगे आगे। इसी के अंदर आपका ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट है। ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट, हाँ, ये सब कुछ ये आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में रहेगा। उसके बाद ओरल एविडेंस कैसे कोर्ट में क्या एडमिसिबल होता है कि नहीं होता है, ये आपका दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्री होता है कि नहीं होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, हम एविडेंस 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 की बात कर रहे हैं, देना किसको पड़ेगा एविडेंस? Who has the liability to give the evidence? ये दिया है आपके burden of proof के चैप्टर में। Then जब हम evidence की बात करते हैं तो witnesses का जिक्र आएगा ही आएगा, उनका examination आएगा ही आएगा। इसमें तीन तरह के examination बताए गए हैं आपको, कैसे कैसे? क्रॉस examination, re-examination, examination in chief। उसके बाद अगर गलत एडमिशन हो गया है एविडेंस का, रिजेक्शन हो गया है, तो क्या हम फ्रेश ट्रायल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका बताया गया है। देन अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपका इसके अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर, जो बात करता है प्रिजम्पशंस की। इसकी बात करता है
प्रिजम्पशंस की बात करता है जिसमें दो तरह का प्रिजम्पशंस दिया गया है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। उसके बाद आपको पूरे एविडेंस में कुछ टर्म्स मिलेंगे, मे प्रिज्यूम और क्या है शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। मैम कंक्लूसिव प्रूफ, ये सारे टर्म्स आपको दिखेंगे पूरे एविडेंस एक्ट में विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक फ्रॉम द बेयर एक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ये आपको आइडिया समझ में आया पूरे एविडेंस एक्ट का ब्रीफ आइडिया? यस मैम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एविडेंस एक्ट लिखा किसने है, किसने लिखा है? स्टीफन, मैम स्टीफन। इसको लिखा है सर जेम्स स्टीफन ने, स्टीफन ने। किसने लिखा है? सर जेम्स स्टीफन ने लिखा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। एंड ये जो आपका एविडेंस एक्ट है दिस इज लेक्स फोरी इन नेचर। क्या है? लेक्स फोरी इन नेचर। What do you understand by the term lex fori? Any idea, anyone? Anyone, law any idea? Law of land. Law of land. That is lex loci. Lex loci hota hai law of land. Ma'am, law of the country in which action is brought. No, no. Aur kuch? Surbhi, stuti, shubhi. No idea. So this lex fori stands for law of the forum or court. And why do we call evidence act as law of the forum or court? Because it is very easy to mold the evidence act depending upon the court in which it is going, in which it is used. For example, if only in criminal law it is used, so there are different specific provisions of criminal law. We will deal with it. If in civil law it is used, then it will be molded as per the requirements of the civil law. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसको evidence act को बनाती हैं, lex fori, that is law of the forum. ठीक है, and let's now start from the sections of the evidence act. Everyone please kindly refer to the section number 1 of the evidence act. Just before that, I'll just start with the preamble. ये कौन सा act है पहले बताना मुझे? Act number one of 1872. And 1872 में एक और law कोई pass हुआ था? कौन सा law था वो? बहुत famous law है 1872. हाँ? Yes. हाँ. Contract Act भी आपका 1872 में pass हुआ था. And इसकी और Contract Act की enforcement date same है. याद रखना. अगर हम प्रियम्बल की बात करें, अच्छा व्हाट इज अ प्रियम्बल? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ प्रियम्बल समझाए कि इसका पर्पस क्या है? यस, बेसिक आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव्स बताने का काम करता है। क्या बताता है? आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने का काम करता है एंड द ले डाउन करता है the ideals which are laid down in a particular document or act. So, एक तरह से summary provide करता है और goal देता है. Summary या goal provide करता है. So, what the preamble of the Indian evidence state that whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows. तो क्या तीन purpose है आपका evidence act का preamble? What does the preamble define? It defines that this particular act will consolidate, define and amend the law relating to evidence. Kya purpose hai iska? Consolidate karne ka, define karne ka and amend karne ka. Kya purpose hai? Consolidate, define and amend. And amend. What do you mean by the yes, what do you mean by the term consolidate? Any idea, anyone? मैम जोड़ देना, to bring together. To bring together, या तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, collection और arranging of data, collection और arranging of data, ठीक है? Define मतलब basically किसी को ताकि कोई भी ambiguity ना रहे, उसको एक proper structure देना, and amend मतलब time to time उसमें changes लेकर आना.
क्या करना, टाइम टू टाइम उसके चेंजेस लेकर आना. फाइन, दिस इज द एंटायर प्रीएम्बल. ये भी क्वेश्चन पूछा था प्री एग्जाम में. कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड आर द थ्री पर्पसेस ऑफ योर एविडेंस एक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन वन ऑफ द एविडेंस एक्ट. सेक्शन वन, सेक्शन वन क्या बात करता है? एनीवन? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है. कमेंसमेंट की बात करता है. तो सबसे पहले देखिए टाइटल क्या होगा इसका. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. टाइटल क्या है इसका? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. कहाँ एक्सटेंड करता है? होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ इंडिया. पहले आपका ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जेएनके था, बट अब वहां पे भी एप्लीकेबल होता है आफ्टर द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जी. उसके बाद और कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स पे ये अप्लाई होता है? टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग. अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. All judicial proceedings in and before any court, including court martial. कहाँ पे? Court martial की courts में भी आपका law of evidence apply होता है. Other than, अब जो यहाँ से line है ना, ये आपका exceptions बताता है extent का. क्या बताता है? Exceptions. Exceptions बताता है extent का कि कहाँ कहाँ ये applicable नहीं होता है. तो सबसे पहले कहां एप्लीकेबल नहीं होता है? अदर देन कोर्ट मार्शल्स कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 और द एयरफोर्स एक्ट, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट नॉट टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर. So, अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें या नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें, तो ये कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता? ये कोर्ट मार्शल पे एप्लीकेबल नहीं होता. लेकिन कौन से पर्टिकुलर कोर्ट मार्शल पे? जो आर्मी एक्ट के एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हो रहे हैं. किसमें हो रहे हैं? आर्मी एक्ट के अंदर हो रहे हैं. नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर हो रहे हैं. किसमें हो रहे हैं? नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर हो रहे हैं. इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंदर हो रहे हैं. इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंदर हो रहे हैं. एंड लास्ट क्या आपका? एयरफोर्स एक्ट के अंदर हो रहे हैं. और किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है ये? ये एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं होता है. कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है? एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं होता है. और किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? ये किसी आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल नहीं होता है. हु इज एन आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर वो होगा जिसका अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर में किया जाएगा मामलों को सुलझाने के लिए, मीडिएशन कंसीलिएशन के लिए. वेरी गुड. ये आपका एक आर्बिट्रेटर. आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्रोसीजर के बारे में सुना? किसने? आउट ऑफ कोर्ट redressal dispute center जो बने होते हैं. हाँ, court settlement, out of court settlement की बात है, जिसको बोलते हैं ADR mechanism. क्या बोलते हैं? ADR mechanism, that is alternative dispute, alternative dispute resolution, redressal dispute redressal या redressal बोलते हैं basically. ठीक है, redressal. इसी का एक तरीका होता है arbitration. क्या होता है? आर्बिट्रेशन ये तरीका होता है जिसमें एक आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है जो आपके मामलों को सुलझाने में हेल्प करता है. ठीक है, सो यही आपका एडीआर है. क्या सीपीसी में भी एडीआर फॉलो होता है? पूजा? यस मैम. सेक्शन 89 मैम. वेरी गुड. सेक्शन 89 ऑफ द एविडेंस, सॉरी सीपीसी आपका एविडेंस एक्ट की बात करता है. सॉरी, आपका ये एडीआर मैकेनिज्म की बात करता है. कोर्ट आपको ये चांस देता है कि वो सॉल्व योर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इटसेल्फ. ठीक है, सो आर्बिट्रेटर. तो वेदर सेक्शन वन इज क्लियर टू यू और नॉट?
अब आगे बढ़ते हैं आपका सेक्शन टू. ये तो रिपील हो गया है, और ये कौन से एक्ट से रिपील हुआ यह ध्यान देना, आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है. एक्ट नंबर रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1938 किससे रिपील हुआ है, रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1938 थोड़ा सा एक बार ध्यान देना क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है. अब आते हैं सेक्शन थ्री पे. किस पे आते हैं, सेक्शन थ्री पे विच टॉक्स अबाउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, विच इज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इफ यू सी एनी एक्ट, वहां पे आपका एक डेफिनेशन या एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता ही होता है जो आपके टर्म्स को डिफाइन करता है. क्या डिफाइन करता है, टर्म्स को डिफाइन करता है जो आपके एक्ट में यूज होंगे. ठीक है, जो आपके एक्ट में यूज होंगे. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देर इज नो नंबरिंग. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा इसके पहले, या हमने सीपीसी पढ़ा था इसके पहले, सो उसमें नंबरिंग होती थी ना, ऐसे. लेकिन यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है. ठीक है, तो ये याद रखना है, कोई नंबरिंग नहीं है इसके अंदर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कितनी टोटल डेफिनेशंस दी गई है एविडेंस एक्ट के अंदर, काउंट एंड टेल मी. इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कितनी डेफिनेशंस हैं मैम? 10. 10 मैम, दो खाली, दो सिर्फ, दो डेफिनेशंस हैं. कोर्ट की और फैक्ट, कोर्ट फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट एविडेंस, प्रूव्ड डिसप्रूव्ड. मैम 19 कितनी है टोटल? पहली है कोर्ट की डेफिनेशन, दूसरी है फैक्ट की डेफिनेशन, तीसरी किसकी है, रेलेवेंट फैक्ट, देन डॉक्यूमेंट, फैक्ट इन इशू, देन डॉक्यूमेंट, Evidence. Then proved. Disproved. Not proved. Or India. India. Yes, India. Ten. कितनी हो गई? Ten. Ten definitions आपका दिया हुआ है. और इसमें basically इसमें ये भी लिखा है, एक सेकंड. 11 definitions क्योंकि certifying authority का भी दिया हुआ है end में. The expression certifying authority, electronic signature, ये सब. मैम ये तो इंडिया के साथ ही ऐड नहीं है? नहीं नहीं, वो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है. 11 मतलब कितनी है, 11. ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या बता रही है हमें, सबसे पहली डेफिनेशन व्हाट डज इट डिफाइन, द सेक्शन, द फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कोर्ट. कोर्ट, कैन एनीवन रीड द डेफिनेशन? Anyone? Yes. Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. Okay. So court में क्या क्या आएगा? Judges and magistrates. क्या आएंगे? Judge and magistrate and all persons legally authorized to take evidence. ये आपके किस में आएंगे? कोर्ट के डेफिनेशन में आएंगे. बट एक्सेप्शन क्या है, आ गया ना यहाँ पे आर्बिट्रेटर. किसका है? आर्बिट्रेटर का आपका एक्सेप्शन है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, फैक्ट. फैक्ट की डेफिनेशन, एनीवन एल्स, कोई और रीड करना चाहेगा? फैक्ट मींस एंड इंक्लूड्स फर्स्ट एनीथिंग state of thing or relation of thing capable of being perceived by the senses and then any mental condition of which any person is conscious. Okay. Fact ki definition kya bol rahi hai? Anything, state of thing or relation of thing capable of being perceived by senses. Hum kya sense kar sakte hain? Jo bhi humne suna hoga wo sense kar sakte hain na? Yes ma'am. Jo humne dekha hoga wo हमारे 5 senses काम करते हैं ना? Yes, ma'am. Hearing, speaking, eyes, सब कुछ होता है ना? ये सब आपका senses होते हैं ना, realization के. तो मान लो हम कुछ देख रहे हैं. Anything,
हर इसके अगर हम इलस्ट्रेशंस रीड करें सो आई विल रीड द फर्स्ट इलस्ट्रेशन. देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर. कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है. फैक्ट है. सपोज दिस इज अ पर्सन हु सॉ समथिंग. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. ही हर्ड समथिंग. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. The man said certain word. उसने कुछ बोला, अपना एक और sense use किया. That is fact. अब any एक इसमें एक चीज होती है, any mental condition of which person is conscious. अब mental condition क्या होती है? Suppose एक person की एक reputation. Suppose we say that a person named A holds a good reputation. He is a wealthy man, belonging to a very good family, and he holds a good reputation in a सोसाइटी. तो ये क्या है? ये हमारा माइंड परसीव कर रहा है इस चीज को ना. ये हमारी मेंटल कंडीशन है या नहीं है? बिकॉज फॉर अ पर्सन फॉर ए सपोज देयर इज अ पर्सन नेम्ड ए ही कैन बी गुड फॉर वन पर्सन एंड बैड फॉर अनदर पर्सन. ऐसा हो सकता है ना? यस मैम. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. वॉइस ब्रेक हो रही है बिकॉज ये दोनों डिफरेंट. ये नंबर अब क्लियर आ रही है? यस मैम. ठीक है. यस मैम. सो दिस पर्टिकुलर नंबर वन मैन एंड नंबर टू मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन अबाउट ए पर्सन. ये सोचते हैं कि हाँ ए वन थिंक्स कि नहीं ए इज अ गुड पर्सन एंड बी थिंक नो ही इज नॉट अ गुड पर्सन. तो इनके दिमाग में एक रेपुटेशन है ना. सो दिस मेंटल कंडीशन इज ऑल्सो अ फैक्ट. ठीक है. दैट इज अ इलस्ट्रेशन. दैट इज द मैन has a certain reputation is a fact. So ये आपका जहां पे आपका mental condition आ जाता है या state of thing जो आप capable हो perceive करने से अपने senses से, that is also a fact. तो fact clear हुआ क्या है? Yes ma'am. Everyone? Yes ma'am. ठीक है. आगे बढ़ते हैं for the next definition. मैंने आपको starting में बोला था कुछ आपको words बार बार दिखेंगे. Relevant fact. What is a relevant fact? I'll read the definition. One fact is said to be relevant to another when the one is connected with other in any of the ways referred to in the provisions of the act relating to the relevancy of fact. Relevancy of fact kaun se part mein diya hai? Ma'am, section 5 to 25, sorry, 5 to 25. First part mein, ma'am. First part. फर्स्ट पार्ट वन जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है. और अगर हम देखें तो चैप्टर टू भी क्या बात करता है? तो ये दोनों आपके रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से ही बात कर रहे हैं. तो रेलिवेंट फैक्ट इसमें सिंपली सी इसमें कुछ क्लियर नहीं दिया गया है. बस इतना बोला गया है जो भी आपका प्रोविजन रिलेट करते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से. किससे रिलेट करते हैं? जो प्रोविजन रिलेट करते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से दैट आर रेलिवेंट इन रेलिवेंट अंडर द एविडेंस एक्ट. सिंपल सी जो आपके प्रोविजन रिलेट करेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के वाले पोर्शन से जो भी सेक्शंस डिफाइंड है वो. अब हम ये आगे देखेंगे जो आपका बेसिकली सेक्शन स्टार्ट होते हैं 5 टू कहां तक 55. बेसिकली वही पूरा आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट डिटरमाइन करता है. अब हमने समझ लिया कि फैक्ट फैक्ट की बात कर रहे हैं. हमने फैक्ट का वर्ड समझ लिया. फैक्ट क्या होता हमने समझ लिया. अब आते हैं एक और चीज पे. एविडेंस कब दोगे मुझे ये बताओ. ऐसे तरह कोर्ट में एविडेंस दे दोगे आप लोग? मैम लास्ट स्टेज पे. लास्ट स्टेज पे कोई इशू होगा तो उसके रिलेटेड सपोज यस अगर ए बोल रहा है कि बी इज किल्ड बाय सी. किसने मारा बी को? सी ने मारा है. और डी क्या बोल रहा है? किसने मारा है? ई ने मारा है बी को. तो नाउ देर आर टू फैक्ट्स ना. ए का फैक्ट है बी फैक्ट. अब आ गया कि हु किल्ड बी. दिस इज अ फैक्ट एन इशू. This is a fact in issue. तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कौन सा fact issue है तभी तो evidence लाके proof करोगे.
कि क्या आप किस चीज पे दोगे, आप फैक्ट एंड इशू पे तो एविडेंस दोगे. सो देखते हैं फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन. स्तुति आप रीड करोगे? हेलो. Yes, one facts and issue means and include any fact which from which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding, necessary follows. Okay, whenever under the explanation, any fact asserted or denied in answer to an issue of fact recorded under the CPC. Okay. So, आपका fact and issue क्या है? दो मैंने बताया, दो facts हैं. इसका illustration देखते हैं, अभी clarity मिल जाएगी आपको. Illustration में आपको इसमें क्या है? A is accused of the murder of B. A के ऊपर exam क्या लगा है? He killed B. Accused. अब क्या क्या fact and issue हो सकते हैं? First we'll understand इसमें क्या क्या fact and issue हो सकते हैं. पहला fact and issue क्या होगा? फैक्टर इशू क्या होगा कि A caused B death. क्या उसने उसको मारा था कि नहीं मारा था? पहला तो यही इशू है कि खुद से मारा किसी और ने मारा. दूसरा, क्या उसकी इंटेंशन थी उसको मारने की? Because जहां हम आईपीसी की बात करते हैं वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लगता है. कौन सा प्रिंसिपल है वो? कौन सा मैक्सिम है जो इंटेंशन के बारे में बात? मेंस रिया एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है. मेंस रिया दैट इज गिल्टी और बैड इंटेंशन माइंड. तो हमारा दूसरा पॉइंट तो ये हो जाएगा कि क्या उसकी इंटेंशन थी मारने की नहीं मारने की, ये तो फैक्ट एंड इशू है. थर्ड पॉइंट क्या है? दैट ए रिसीव्ड ग्रेड एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी. अगर मान लो ए कोई डिफेंस लेता है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो बी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था. नाउ दिस इज ऑल्सो द व्हाट ए इज क्लेमिंग इज अ फैक्ट एंड इशू ना, बिकॉज द कोर्ट नीड्स टू, इफ ही हैज टू बी अक्विटेड द कोर्ट नीड्स टू प्रूव दिस कि या उसकी सजा कम करनी है कि वेदर देयर वाज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन और नॉट. सो दैट ऑल द टाइम डूइंग एक्ट व्हिच कॉज्ड बी डेथ बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर. या तो ए ये डिफेंस दे रहा कि मैं तो भैया अनसाउंड था माइंड का. क्या था? अनसाउंड था माइंड का, मैंने अनसाउंडनेस में बी को मार दिया. तो अगर कुछ भी चीज ये फैक्ट कोई भी बात ये रखता है जो डायरेक्टली आपके सिनेरियो से रिलेट करते हैं, क्या करते हैं? रिलेट करते हैं और आपके फैक्ट से रिलेट करते हैं, और एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को क्या बता देता है? दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को या नेचर को डाइस एजर्ट करता है या डिनाई करता है. एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को एजर्ट करता है या डिनाई करता है, दैट इज नोन एज फैक्ट इन इश्यू. नाउ इफ टुमारो ए गोज, इफ ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी एंड ए टेक्स द डिफेंस की मैंने तो भाई प्राइवेट डिफेंस में मारा था. कैसे मारा था? प्राइवेट डिफेंस में मारा था. तो अब प्राइवेट डिफेंस प्रूफ करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम करेगा. करेगा ना, कि नाउ ही हैज टू प्रूव ना कि वेदर बी अटैक्ड फर्स्ट और नॉट, तभी तो प्राइवेट डिफेंस लगेगा. एंड वेदर एप्रोप्रिएट फोर्स वॉज यूज और नॉट, क्योंकि आप मुझे बताइए क्या आप प्राइवेट डिफेंस में एक्सीड कर सकते हैं फोर्स को कि नहीं कर सकते? सपोज अ पर्सन कम्स एंड हिट ए विद द लाठी, वेदर ही कैन शूट हिम और नॉट? नो नो नो, बिकॉज वहां पे फोर्स डिसप्रोपोर्शनेट हो जाती है. कैसे होती है? डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स हो जाती है. सो यहाँ पे वेदर ए हैड प्राइवेट डिफेंस राइट और नॉट इज ऑल्सो अ फैक्ट इन इश्यू. क्लियर हुआ फैक्ट एंड इशू क्या होता है? जो दो फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को, नेचर को और आपके एक्सटेंट को कहीं ना कहीं असर्ट करे या डिनाई करे. क्या करे? कि दो चीजें एक साथ एप्लीकेबल नहीं हो सकती, दो चीजें एक साथ एप्लीकेबल नहीं हो सकती, उसको कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं फैक्ट एंड इशू. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं आपका डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट, अरे हमने देखा ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस.
कौन से चैप्टर में था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताना जरा, कौन से चैप्टर में पढ़ा मैंने मैम? चैप्टर और ओरल एविडेंस कौन से चैप्टर में था मैम? फोर में, चैप्टर फोर में था ओरल एविडेंस. ठीक है, सो आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ लेटर्स figures or marks or by more than one of those means intended to use or which may be used for the purpose of recording the matter. Isi document pe koi writing kya hai? Koi writing kya hai? Kisi paper maine kuch likh diya agar, suppose main ek paper pe kuch bhi likh rahi hu, to ye kya ho jayega? Document. Expressed. Kisi maine express kar diya na kahin na kahin. मैटर को मैंने एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर दिया ना. अगर मान लो मैं कोई प्रिंट करा लूं वर्ड, फोटोग्राफ ले लूं, तो वो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट. मैं कोई मैप बना दूं, तो क्या वो हो जाएगा? अगर मैं डॉक्यूमेंट इंडिया का मैप बना दूं, तो वो क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट बन जाएगा. और कोई इंस्क्रिप्शन, अशोका के इंस्क्रिप्शन है ना? यस मैम. अशोकन पिलर जिसको हम कहते हैं, वो क्या हो जाएंगे? डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट हो जाएंगे. कैरिकेचर में बना दूं कोई भी कार्टून का कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट हो जाएगा. तो बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी चीज अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या कर देते हो? अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो या डिस्क्राइब कर रहे हो, किस किस फॉर्म में, किसके थ्रू? लेटर्स के थ्रू, फिगर्स, फिगर्स के थ्रू और मार्क्स, मार्क्स के थ्रू, या लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स के थ्रू अगर आप उसको एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर दे रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा आपका? डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट. सो हमने देखी ये सारे डेफिनेशन. अब आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिकॉज हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? एविडेंस एक्ट. तो अब एविडेंस एक्ट पढ़ लिया, कोर्ट देख लिया, एविडेंस देख लिया, कोर्ट देख लिया, रेलिवेंट देख लिया, फैक्ट एंड इश्यू देख लिया, डॉक्यूमेंट देख लिया. अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एविडेंस. तो अगर आपसे पूछेगा क्या एविडेंस एक्ट में एविडेंस डिफाइंड है या नहीं, तो बताना कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 3. सेक्शन 3 में डिफाइंड है. अब मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो. एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द स्टेटमेंट which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to any matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. 2. All documents including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are documentary evidence. So basically आपका जो ये section है, ये दो तरह के evidence के बारे में बता रहा है. पहला कौन सा है? Oral evidence. Oral evidence. And the second one is? Documentary evidence. Documentary evidence. Oral evidence क्या होता है? जो court अपने सामने बोलता है कि आके मेरे सामने दो. That is known as, ना, which the court requires to be made before it. जो witness से बोलता है, या court permit करता है, या require करता है कि आके मेरे सामने बोलो. और documentary क्या होता है? जो हमने document देखा था अभी तक, सारे डॉक्यूमेंट्स, और इसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बोथ आर इंक्लूडेड अंडर डॉक्यूमेंट्री. ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला पोर्शन है ना, क्या ये इनिशियली था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सॉरी आपका एविडेंस एक्ट में? नहीं, ये no, ma'am. नहीं no, था ma'am. इसको हमने ऐड करा है. कब ऐड करा है? 2000 में मैम, इन द ईयर 2000. और इसकी विद इनफोर्समेंट डेट क्या है मैम? 17th October 2000. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट amendment also to the Evidence Act, because इसी के साथ आपका IT Act में भी amendment आया था, IT Act आया था 2000 का, उसके साथ आपका हर जगह ये amend किया गया.
तो हमने ये डेट तो देख ली, हमने अभी तक वो डेट देखना हम मिस कर गए कि आपका एविडेंस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, एविडेंस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? फर्स्ट सितंबर 1872 एंड आपको इस एक्ट को प्रेसिडेंस आपका उस समय पे एसेंट कब मिली थी, पास कब हुआ था? 15th March 1872 ये पास आपका हो गया था 15th March 1872 तो ये दोनों अलग अलग डेट है. इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1st September और पास हुआ था आपका 15 March और आपकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला पोर्शन कब ऐड हुआ था? 17th October 2000. अब आगे आते हैं, यहाँ तक क्लियर मैम? व्हाट्सएप इसमें आता है क्या? व्हाट्सएप ये अब ले लेते हैं कोर्स का, इसको कर लेते हैं क्यों आपको व्हाट्सएप के थ्रू समझ जाते हैं, अब नोटिस सर होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आपके तीन और डेफिनेशंस के ऊपर जो आपके प्रूफ के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एक होता है प्रूफ, एक होता है डिसप्रूफ और एक होता है नॉट प्रूफ. ठीक है, क्या होता है? एक होता है प्रूफ, एक होता है डिसप्रूफ, एक होता है नॉट प्रूफ. तो प्रूफ की डेफिनेशन कोई पढ़ेगा? एनीवन? हम अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट्स. ओके, सो क्या होता है आपका प्रूफ? कि बेसिकली टॉक्स अबाउट द कोर्ट बिलीव्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट. क्या बात पर मानता है? कि कोई फैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट के बारे में कोर्ट मानता है, बिलीव करता है. क्या करता है? बिलीव करता है कि या तो एग्जिस्ट हो रहा है या प्रोबेबल है. क्या है? प्रोबेबल है फॉर अ प्रूडेंट मैन, प्रोबेबल है फॉर प्रूडेंट मैन टू एग्जिस्ट, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. तो कोर्ट बोलेगा कि हाँ ये प्रूव हो गया. क्या हो गया? प्रूव हो गया. उसके बाद डिसप्रूव क्या होता है डेफिनेशन? मैम, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. So basically court yahan kya baat kar raha hai? Does not exist ki baat kar raha hai, ki court ko lagta hai ki ye exist nahi karega. Ye court ko believe karta hai, court aisa believe karta hai that is it is highly improbable. Kya hai? Highly improbable कि ये एग्जिस्ट करे. ठीक है, अब मान लो एक बच्चा है कोर्ट में गया. ठीक है, ए वाज अ पर्सन हु वाज अक्यूज्ड विद द मर्डर ऑफ बी. क्या था अक्यूज्ड? कि इसने बी का मर्डर किया. नाउ ही इज प्लीडिंग इनफैंसी. क्या प्लीड किया इसने? इनफैंसी का डिफेंस प्लीड किया है. अब इनफैंसी का डिफेंस क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज द डिफेंस ऑफ इनफैंसी? आईपीसी रिवाइज होगा आप लोग का. 84. क्या बात करता है? पर डॉली का पैक्स, डॉली इनका पैक्स याद है कुछ? कि अगर पर्सन बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स है, ठीक है, डॉली का पैक्स एंड डॉली, हां डॉली का पैक्स, अगर पर्सन इज बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स देन ही इज कंप्लीटली इम्यून एंड कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ही इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम. इसको बोलते हैं डॉली इनका पैक्स. तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये बच्चा तो 7 साल के नीचे का ही है, तो वो फैक्ट और मान लो वो अपनी इन्फेंसी को क्लेम कर रहा है कोर्ट में, एंड इफ कोर्ट थिंक कि नहीं ये तो कोर्ट मानता है कि ये फैक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो देखने से लग रहा है कि बच्चा 7 साल के नीचे का है, इसकी तो 5 साल की उम्र है, ये कैसे किसी का मर्डर करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्ट प्रूव्ड. और जहां कोर्ट को लगेगा नहीं नहीं ये तो 7 साल से नीचे का नहीं, ये तो बड़ा बच्चा है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो फैक्ट क्या हो जाएगा? डिसप्रूव्ड. डिसप्रूव्ड. और नॉट प्रूव क्या होता है?
neither proved nor disproved. Neither proved nor disproved. ना ही कोर्ट इसको प्रूव कर रहा है ना ही डिसप्रूव कर रहा है, तो दैट बिकम्स नॉट प्रूव्ड. नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड. सो बेसिकली जब किसी कोर्ट किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं डिनाई करता है, क्या करता है, डिनाई करता है और उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल मान लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूव्ड या डिसप्रूव, क्या बोलेंगे बताओ. मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. व्हेन द कोर्ट बिलीव्स दैट अ फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. मैम डिसप्रूव्ड. Disproved. Disproved. And neither proved nor disproved. Not proved. Not proved. Not proved. ठीक है. And one more thing, अगर मैं आपको एक easy definition देना चाहूँ fact in issue की, fact in issue की, तो understand a very basic definition कि when one party asserts a fact and other party denies it. Other party denies it. It becomes fact in issue. A बोल रही है, B ने A बोल रहा है कि उसने A is accused that he had committed theft in B's house. ठीक है, A accused. ठीक है, अब A बोला है कि no, I have not committed. तो एक बोला committed, एक बोला not committed. तो ये fact in issue हो गया ना. This is only fact in issue. Whether theft was committed by A or not is now a fact in issue. ठीक है? Clear? Yes, ma'am. उसके बाद आपकी एक और definition इसमें last है, वो है India की definition, जो ये बात करता है कि India means territory of India. उसके बाद आपका वो दिया है certifying authority, electronic signature certificate, electronic form. ये सब का meaning कहाँ देगा? किसके reference में लेना है? IT Act. 2000. इतना ही रखते हैं आज हम लोग एविडेंस आपका डेफिनेशन क्लॉज तक. सो हमने क्या क्या देखा आज, क्विक रिवीजन, कितने चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स. यस मैम, 11 चैप्टर्स. चैप्टर 6 क्या बात करता है मैम, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री. चैप्टर 11 क्या बात करता है मैम, improper admission and rejection of evidence. हाँ. Chapter 1 क्या बात करता है? मैम preliminary. Chapter 1 preliminary. ठीक है. कितने parts हैं? Three parts. और sections कितने हैं? 167. ठीक है. 167 sections हैं. जो आपका 2000 वाला amendment आया था, उसकी enforcement date क्या है? 17th October 2000. Fact and issue क्या होता है? मैं one party assert and one party deny. Good Pooja. और आपका और क्या देखा मैंने? Proved क्या होता है? मैम court believes the existence of fact. Existence. क्या whether caricature is a document or not? Yes ma'am. Yes. Caricature is document होता. Already mentioned in illustrations. Ha, illustration. And understand one thing, illustrations are very, very important under Evidence Act. Very, very IMP. Hum koi illustration miss nahi kar sakte. Theek hai? Very IMP point. Whether court includes arbitrator or not? No, ma'am. Not. Ma'am. Any doubts? Anyone, any doubts? प्रभ स्तुति निखिल पूजा रेलिवेंट बता दो एक बार. देखो रेलिवेंट का जो डेफिनेशन दी हुई है ना पूजा, हाँ रेलिवेंट की जो डेफिनेशन दी हुई है वो सिंपल यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट व्हेन वन इज कनेक्टेड टू अनदर फॉर्म. जो भी आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है, किसमें दिया है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट प्रोविजन में. तो हम ये देखेंगे जब हम कल ये चैप्टर पढ़ेंगे, relevancy of fact per chapter, तब आपको पता चलेगा कि कोई fact किसी से एक fact दूसरे fact का relevant, कौन सा fact relevant होगे court में. एक ने B का murder किया है, A के ऊपर accusation लगा है कि he has murdered B, तो कौन-कौन से fact इस case में relevant होंगे. क्या A का कोई evil intention था, ये relevant होगा कि नहीं होगा? Yes ma'am.
रेलेवेंट होगा. क्या कोई इसके पास ओकेजन था? यस मैम. ये इसको मिला था, इसके घर पे अकेले था और ये इसे मिलने गया था, क्या ये ओकेजन होगा कि नहीं, रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? यस मैम. यस मैम. होगा. क्या ये रेलेवेंट होगा कि नहीं कि इसका कोई बिहाइंड, उसका बैड मोटिव था, उसकी पुरानी दुश्मनी है, सालों साल पुरानी दुश्मनी है, रेलेवेंट होगा ना ये? यस मैम. क्या ये रेलेवेंट होगा कि नहीं कि एक का जैसे ही पुलिस पहुंची ए वहां से डर के भाग गया? यस मैम. सबसिक्वेंट एक्ट, तो ये सारी चीजें जो सबसिक्वेंट कंडक्ट हो गया, ये सारी चीजें कहां दी हुई है आपकी, वही फैक्ट रेलिवेंट होंगे. सिंपल से रेलिवेंसी के रेलिवेंट का मतलब ये दिया है कि वही फैक्ट रेलिवेंट होंगे जो आपके प्रोविजंस से रिलेट करते हैं. किससे रिलेट करते हैं? प्रोविजंस रिलेटिंग रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट. रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है, ये उसी से बारे में बात करता है जो हम कल देखेंगे. क्लियर? यस मैम. कोई और डाउट? नो मैम. तो फिर हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट मैम.